तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पे एम्पलीफायर का फ्लैट केस। बेसिकली दोस्तों, आप मार्केट में जब लेने जाते हैं तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। बेशक आप उसके कंपनी को या फिर किसी भी फ्लैट केस वाले को ये बोल दें कि भाई पैसे तो ज़्यादा ले लियो, यार 200-300 ज़्यादा ले लियो, काम बढ़िया करके दियो, तो ऐसी चीज़ नहीं मिलती आपको। लेकिन यहाँ पे जब मैंने अभी ढूंढा, यहाँ पे काफ़ी मैं एक्सपो में था तो काफ़ी चीज़ें मैंने ढूंढी, तो मुझे लगा कि यार ये फ्लैट केस सबसे अलग लगा मुझे। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी हर एक बारी का ध्यान दिया रखा है यहाँ पे, तो ये मैं वो फ्लैट केस लेके आया हूँ दोस्तों। आप ये एम्पलीफायर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एम्पलीफायर की, क्योंकि अगर आपका कोई भी एम्पलीफायर है वो चाहे जितने का भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं होता, उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम इसको देखेंगे क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो सारी सारी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने लगी, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपको ये फ्लाइट केस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी है, यानी मैं उठाऊंगा तो इससे मुझे पता लग जाएगा काफ़ी वजनदार है। मार्केट में आप देखेंगे तो बिल्कुल हल्के से होते हैं, आप अगर ऐसे भी मार देंगे तो वो ऐसा लगता है कि बस अब तो गए और गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज लुक इसका, यानी पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल देखेंगे। दोस्तों अभी आप यहाँ पे ये फ्लाइट केस को देख सकते हैं, और ये फ्लाइट केस की क्वालिटी को आप जान सकते हैं कैसी है। तो यहाँ पे आपको देखते ही बन रहा होगा कि काफ़ी हैवी क्वालिटी है। यहाँ पे मैं इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यानी डिटेल के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, ये जितनी भी एल कोनिया एल पत्ती हैं सारी के सारी SSM यूज़ करी गई है। साथ के साथ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बटर लॉक में ये ऊपर के साइड आपको देखना है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। यानी अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाता है। ये देखिए, मतलब आपको ज़्यादा रत्तू मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इसको घुमाओ, ऐसे करो ऐसे करो, ऑटोमेटिकली ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लॉक हो जाता है। साथ के साथ ये ऊपर के साइड आपको देखने को मिल जाता है, ये पत्ती आपको किसी भी नहीं देखने को मिलेगी, और ये आपको ये बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप एम्पलीफायर को बाई चांस ऐसे फ्लैट करके रखते हैं तो बारिश का पानी हो गया या फिर कोई वाटर हो गया तो यहाँ पे पानी से ये गीला नहीं होगा। बाकी ये तो है ही, ये जो सन माइका इसके ऊपर चढ़ाई गई है ये वाटर रेसिस्टेंस है, तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं ये जो एल है और ये जो एम है ये कैसे यूज़ करी गई है। दोस्तों बेसिकली ये एल और एम है यहाँ पे जिंदल की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और काफ़ी मोटाई है इसकी, यानी अगर आप देख पाते इतनी बारीकी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा मोटाई है इसकी जिंदल की। और जस्ट मैं कुछ और डिटेल के बारे में बताऊँ तो ये सन केसेस के तरफ से आता है, और यहाँ पे ये जो हैंडल है बेसिकली दोस्तों ये सिंगल स्प्रिंग वाला नहीं है, इसके अंदर दो स्प्रिंग लगे नहीं, एक दो स्प्रिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सेम स्पेसिफिकेशंस नीचे हैं दोस्तों, और बाकी डिटेल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जीरो गैपिंग है, यानी किसी में आपको आड़ा टेढ़ा सा गैपिंग देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जीरो गैपिंग दी गई है। चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, और ये जो हैंडल बनाया गया है, नहीं ये जो सपोर्टर लगाया गया है एम्पलीफायर को रैक करने के लिए, ये बेसिकली दोस्तों CNC कटिंग में है, यानी कोई भी टुकड़ा काट के इसके अंदर ऐसे नहीं लगाया जाता, ये पूरा फिट आता है, CNC पीछे से कटिंग होकर आता है, तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा गया है दोनों साइड। साथ के साथ दोस्तों जो इसको टाइट करा गया है, यानी यहाँ से आप देखिए ये बोल्ट जो है ये है एलंकी बोल्ट, यानी आप ये बोल्ट्स को देख सकते हैं, ये सारे के सारे एलंकी बोल्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। चलते हैं यहाँ पे, मैं कुछ और डिटेल आपको बताता हूँ, और साथ के साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो प्लाई इसके अंदर यूज़ करी गई है वो है बेसिकली दोस्तों 9mm की प्लाई यूज़ करी गई है। साथ के साथ दोस्तों ये यहाँ पे जो सनमाइका चढ़ाया गया है इसके ऊपर वो स्क्रैचलेस है, यानी आपको उस पर छोटे छोटे से दाने दिख रहे होंगे, ये देखिए मैं अगर आपको दिखाने के, ये देखिए आपको छोटे छोटे से दाने दिख रहे होंगे, तो ये स्क्रैचलेस है, तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान दिया गया है। ये देखिए, तो ओवरऑल आपको ये कैसी लग रही है क्वालिटी मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट में बताना। अब चलते हैं कुछ और डिटेल के बारे में भी, हम अभी तक आपने देखी इसकी डिटेल्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस, अब बात करते हैं इसको आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कौन कौन से एम्पलीफायर के लिए अवेलेबल होगा। दोस्तों ये ऑर्डर पर बनते हैं, यानी अगर आपको कोई भी एम्पलीफायर का चाहिए हो ये सारे के सारे एम्पलीफायर के लिए आपको मिल जाएंगे, ऑर्डर पर बनवाना चाहे कोई भी एम्पलीफायर का ये सबको आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस डिटेल कहाँ से अवेलेबल होगा सारी सारी डिटेल में नीचे कमेंट में छोड़ रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं, और ज़रूर से नीचे कमेंट बताइए कैसे लगा आपको ये फ्लैट केस।
और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और